कई बार ये सवाल पूछा जाता है कि पीरियड्स के बाद हम ऐसा क्या करें, ऐसी कौन सी चीज़ें करें, कौन सी टिप्स फॉलो करें जिससे कि तुरंत गर्भधारण हो जाए, बहुत जल्दी गर्भधारण हो जाए। हालांकि गर्भधारण एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, उसे प्राकृतिक तरीके से होने दी, लेकिन कुछ चीज़ें आप ऐसी कर सकते हैं, कुछ ऐसी टिप्स हैं जिनसे आपके शरीर को मदद मिलेगी जल्दी गर्भधारण में। तो ऐसी क्या चीज़ें हैं आज के वीडियो में जानने वाले हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूँ प्रेरणा और स्वागत है आपका आपके चैनल यूट्यूब सहित। आज हम जानने वाले हैं कि पीरियड के बाद वो कौन से 3-4 कुछ खास काम आपको करने चाहिए जो कि डूज एंड डोंट्स हैं, जिससे कि आप बहुत जल्दी कंसीव करने की तरफ बढ़ सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखें, टिप्स बाद में हम भूल जाते हैं इसलिए इनको नोट कर लीजिए, चाहे अपने मोबाइल के नोटपैड में या फिर अपने रूम में कहीं लगा लीजिए लिखकर, ताकि आपको ये चीज़ें हमेशा याद रहें और आप इसका पूरा लाभ ले सकें, हमेशा फॉलो कर सकें बिना भूले हुए। फ्रेंड्स, पीरियड्स के बाद ही समय आता है ओविलेशन का, जब महिला के शरीर में ओवरीज से एग रिलीज होता है, और वो एग जब रिलीज होता है तब 24 घंटे का वो पीक टाइम होता है गर्भधारण के लिए। लेकिन पीरियड्स के बाद भी नॉर्मल लाइफस्टाइल की कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो करने से हमारा ओविलेशन खराब हो सकता है, गर्भधारण में बाधा आ सकती है। तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें करनी है और कौन सी ऐसी चीज़ें छोड़नी है, उन पॉइंट्स को अभी हम समझेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि हमको करना क्या क्या है। तो सबसे पहली चीज़, आपका पीरियड जिस दिन बंद हो जाता है पूरी तरह से, उसके नेक्स्ट डे से आपको फर्टिलिटी मसाज करनी है। फर्टिलिटी मसाज के पीछे का रीज़न क्या है, लॉजिक क्या है, फर्टिलिटी मसाज करने से क्या होता है, तो मैं आपको बताऊँ कि यूट्यूब सहेली के व्यूवर्स जिनके दोनों ट्यूब भी ब्लॉक थी, सिंगल ट्यूब भी थी या फिर पूरी तरह से दोनों ट्यूब्स ब्लॉक थी, 11 साल तक वेट किया उन्होंने कंसीव करने का, ट्रीटमेंट ले लिया और फर्टिलिटी मसाज की हेल्प से उनकी ट्यूब्स अनब्लॉक हुई और उनको बहुत आसानी से कंसीव हुआ। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ही मिराकुलस है, कितना ही इफ़ेक्टिव है फर्टिलिटी मसाज करने से। ना केवल फेलोपियन ट्यूब्स बल्कि ओवरीज, यूट्रस सभी टोन होते हैं। ओवरीज हेल्दी एग बना पाती है, फेलोपियन ट्यूब्स बहुत हेल्दी रहते हैं और लचीले बने रहते हैं ताकि वो एग का ट्रांसपोर्ट कर सकें, फर्टिलाइजेशन के लिए बिल्कुल रेडी रहें, और यूट्रस की लाइनिंग बनने में भी हेल्प मिलती है। तो ऑल ओवर ना केवल ओव्यूलेशन बल्कि पूरी प्रेगनेंसी को अच्छे से सपोर्ट करने के लिए आपको फर्टिलिटी मसाज करना बहुत ज़रूरी है। फर्टिलिटी मसाज कैसे करें उसको सीखने के लिए आप मेरा वीडियो देखिए, जिसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो उससे आपको पता लगेगा कि कितना प्रेशर लगाना है, कैसे ऑयल यूज़ करना है, किस तरीके से करना है। तो फर्टिलिटी मसाज आप ओव्यूलेशन तक, सपोज़ 3 दिन बाद अगर आपको पता लगता है कि आपका ओव्यूलेशन है तो 3 दिन कीजिए, 7 डेज लगता है ओव्यूलेशन आने में तब 7 डेज कीजिए, लेकिन ओव्यूलेशन तक फर्टिलिटी मसाज कीजिए। दूसरी बात आती है डाइट की। डाइट में हमें कुछ चीज़ों का खास ध्यान रखना है। क्या चीज़ें खास तौर पे खानी है, आप पालक को पका के, चाहे आप दाल में डाल के पका लीजिए, चाहे आप सब्जी बना के खाइए पका हुआ पालक, चाहे आप टमाटर और पालक का सूप बना लीजिए, पका हुआ टमाटर और पका हुआ पालक आपको थोड़ी मात्रा में ज़रूर खाना है पीरियड के बाद। तो चुकंदर या अनार में से दोनों में से कोई एक चीज़ आप लेती हैं तो आपका ओव्यूलेशन के साथ साथ आपकी यूट्रस की भी तैयारी होती है कि इम्प्लांटेशन को सक्सेस करने के लिए और गर्भधारण भी जल्दी हो सकेगा। चाय तो हम सभी बहुत पसंद करते हैं ना, तो चाय का भी इम्पोर्टेंस है फर्टिलिटी के लिए। तो फर्टिलिटी के लिए मैंने कई तरह की टी बनाई है, PCOD के लिए अलग चीज़ें हैं, यूट्रस के लिए, PMS के लिए, ऐसे बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं जिनके लिए अलग अलग टी बताई है। तो जो भी टी आपके केस में अप्लाई होती है उस टी को आप ले सकते हैं, लेकिन आपको दूध ऐड करके जो ट्रेडिशनल तरीके से चाय बनती आती है वो चाय आपको बिल्कुल नहीं पीनी चाहिए इन दिनों। अब अनाज की बात करेंगे तो जितने साबुत अनाज है, आपको मैदा नहीं यूज़ करना है, आपको कोशिश करें कि गेहूं का आटा घर का पिसा हो और उसमें से जो छिलका होता है जिसको हम चोकर बोलते हैं उसको भी हम ऐड करें, उसको हटाएं नहीं, क्योंकि ये आपके यूट्रस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपके डाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई लोग टिप्स मांगते हैं कि एंडोमेट्रियम थिकनेस के लिए टिप्स दीजिए, तो कोई अलग से रॉकेट साइंस नहीं है। ये जो अनाज का छिलका है, जो चोकर है, जो साबुत अनाज आप खाते हैं दलिया या रोटी के फॉर्म में, वही आपकी हेल्प करने वाला है, क्योंकि वो न्यूट्रिशन तो देगा ही देगा लेकिन आपके बॉडी के अंदर जो ऑलरेडी न्यूट्रिशन है उसको एब्जॉर्ब करने में भी आपकी मदद करेगा। अब हम बात कर लेंगे एक्सरसाइजेस की, कि इन दिनों ऐसी कौन सी एक्सरसाइजेस करें। डाइट,
लाइफस्टाइल के बाद एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज में एक सबसे खास चीज़ है लेग अप द वॉल पोजीशन, जिसको कि योग की भाषा में विपरीत करनी आसन कहते हैं। तो इसको आप सुबह उठते ही 10 मिनट के लिए कमर के नीचे आप सॉफ्ट पिलो लगा लीजिए, कोई टॉवल या ब्लैंकेट को फोल्ड करके लगा लीजिए और दीवार के सहारे अपनी लेग्स को इस तरीके से करके 10-15 मिनट्स रखिए, जिससे कि आपके यूट्रस और जो लोअर बॉडी के पार्ट्स हैं, लोअर एब्डोमेन के पार्ट्स हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, प्रजनन के अंग हैं, उनको ब्लड फ्लो अच्छा जाए। ब्लड फ्लो अच्छा जाएगा तो वो एक्टिव रहेंगे और फर्टिलिटी इम्प्रूव होगी। इसके अलावा आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, आपको संगीत सुनने पे भी ध्यान देना चाहिए। कई लोग संगीत से बहुत जल्दी हील हो जाते हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं उनके हॉर्मोन्स पे। आप कई रागों को सुन सकते हैं, राग श्याम कल्याण सुन सकते हैं, राग यमन सुन सकते हैं, राग भोपाली सुन सकते हैं। ये रागें आपकी बहुत मदद करने वाली है, ये आराम से आप जब यूट्यूब या गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएंगी। अब बात करते हैं परहेज की। परहेज यानी कि डोंट्स, आपको क्या बिल्कुल नहीं करना है जिससे कि आपकी फर्टिलिटी बिगड़ती है, डाउनग्रेड होती है, ख़राब होती है। सबसे पहली चीज़, शक्कर नहीं खानी है आपको। कोई भी चीज़ आप घर में कुक कर रहे हैं, थोड़ी मात्रा में ज़रूरत पड़ने पे गुड़ ले सकते हैं, कोशिश करें कि अवॉइड रहे, लेकिन आप हनी या गुड़ थोड़ा इस्तेमाल कर सकते हैं, शक्कर आप बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। फास्ट फूड बाहर का खाना, चाहे वो पानी पूरी ही क्यों ना हो, आप बाहर का मत खाइए। आप कोई भी तरह का फास्ट फूड मत खाइए, किसी भी तरह का बाहर का सॉफ्ट ड्रिंक आप मत पीजिए। इसके अलावा सोने का जो रूटीन है आपका, 10 से 6 होना चाहिए। रात 10 तक आप सोएं और सुबह 6 बजे तक आप ज़रूर उठ जाएं। तो ये चीज़ें, इन सारी चीज़ों को जब आप फॉलो करते हैं तो आपके 1 से 2 महीने में गर्भ धारण करने के चांसेस आप बढ़ा लेते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी व्यूवर्स जो अक्सर पूछते हैं कि जल्दी कंसीव करना है, तो जल्दी कंसीव करने का सही तरीका यही हो सकता है जो मैंने आपको बताया। और आप कोशिश करें, खुश रह के कोशिश करें, प्रसन्न रह के कोशिश करें, आप स्वस्थ रहें, मुस्कुराती रहें। शुभकामना के साथ जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।